आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, जर्नल के बिना एक भी चीज़ संभव नहीं है। और जर्नल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल तो जानना इजी है, जैसे कि रूल जो है हमारा, अगर पहले रूल को हम देखें तो पर्सनल का, रियल का और नॉमिनल का, तीन का रूल है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का हम देखते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये बेसिकली तीन पार्ट में हम देख सकते हैं कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इसका जो रूल है उसको अभी हम 2 मिनट के बाद देखेंगे, लेकिन उससे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले पर्सनल अकाउंट को, रियल अकाउंट को और नॉमिनल अकाउंट को पहचान सकें। अगर इसे पहचाना जा सके तो फिर इसके रूल को कहीं भी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल, जब तक हमें किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर कोई वर्ड आ रहा है उसको हम जानेंगे ही नहीं कि ये पर्सनल है या रियल या नॉमिनल, तो उसका रूल हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो अभी हम बुक से हट के एक बार में आपको ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल समझ में आ जाए। ये देखिए, सबसे पहले हम एक रियल अकाउंट को समझाएंगे। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का आपने जहाँ जो डिफिनीशन पढ़ा होगा, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन इसको एक रफ़ लैंग्वेज में समझने की भाषा देखते हैं रियल अकाउंट को, जो बेस्ट वे है। रियल अकाउंट में हम एक एग्जांपल, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड इन मार्केट, जिसको बेचा जा सके, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे हाथों में एक पेन है, तो पेन इज़ अ रियल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज वी कैन सेल आउट दिस पेन। दूसरा, अभी मेरे सामने एक कॉपी है, इट कैन बी सोल्ड, सो इट इज़ अ रियल अकाउंट। चेयर है, इट कैन बी सोल्ड, रियल अकाउंट। गैस स्टोव बेचा जा सकता है। फर्नीचर बेचा जा सकता है। लैंड बेचा जा सकता है। आप जहाँ भी हैं वहाँ के चारों तरफ के किसी भी चीज़ को देखिए जिसे हम बेच सकते हैं, दैट इज़ अ रियल अकाउंट। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे एक पीस, तो उसका एक पैसा आए या दो पैसा आए किसी चीज़ को बेचने से, उससे मतलब नहीं है। बट जो चीज़ मार्केट में बिक सके, दे ऑल आर नोन एज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो चीज़ हम आपको और क्लियर करना चाहेंगे कि रियल अकाउंट में आप एक कैश को भी रियल अकाउंट है, क्योंकि इसके बदले हम किसी भी चीज़ को ख़रीद सकते हैं या कैश को फिर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड वन इज़ गुडविल। गुडविल इज़ आल्सो अ रियल अकाउंट। कई लोग इसको कंफ्यूज रहते हैं कि ये पर्सनल है या नॉमिनल है, क्योंकि गुडविल चूँकि दिखता नहीं है तो इसीलिए इसको कई लोग नॉमिनल मानते हैं, लेकिन यह रियल अकाउंट है क्योंकि इसका एक मार्केट वैल्यू है। तो कोई भी चीज़ जिसका मार्केट वैल्यू है, जिसको मार्केट में सेल किया जा सकता है, दैट इज़ अ रियल अकाउंट। सो सिंपल। नाउ, रियल अकाउंट में एक चीज़ और याद रखना है कि रियल अकाउंट को हम कह सकते हैं कि रियल अकाउंट जो होता है वह एक एसेट होता है। रियल अकाउंट इज़ अ एसेट, आइदर दैट विल बी अ फिक्स्ड और अ करेंट अकाउंट, करेंट एसेट, फिक्स एसेट या फिर करेंट एसेट, कुछ भी हो सकता है। रियल अकाउंट के बाद सेकेंड नंबर हम आते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आप सिंपल तरीके से समझिए, हम बुक की लैंग्वेज यूज़ नहीं करें, कि पर्सनल अकाउंट में एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़, कोई वस्तु या कुछ भी आपको ऐसा दिखता है जिसके ऊपर हम लीगल एक्शन ले सके। लेट मी रिपीट, कोई भी ऐसा चीज़ आपको दिख रहा है, कोई वस्तु, कोई आदमी, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, यानी कि एक और अलग लैंग्वेज में, एक तो हो गया लीगल एक्शन, या फिर ऐसी को दूसरी भाषा में बोले कि जिसके ऊपर हम FIR करवा सकें, पुलिस स्टेशन में FIR करवा सकें। ये दो चीज़ें पर्सनल अकाउंट को क्लियर कर देती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, राम के ऊपर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, ऑब्वियसली हाँ। श्याम के ऊपर, यस। अच्छा, किसी बैंक के ऊपर, यस।
किसी बैंक ने आपके साथ फ्रॉड किया, आप बैंक के ऊपर कर सकते हैं। बैंक का अगर कर्मचारी राम है वो कर रहा है, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो ऑल बैंक आ गया, कोई भी कंपनी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं उसको समझाने के लिए। सपोज आई हैव अ फ़ोन ऑफ माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स का मेरा फ़ोन टूट गया, क्या हम इस फ़ोन टूटने का जा कर के लीगल एक्शन ले सकते हैं, FIR करवा सकते हैं कि सर मेरा फ़ोन टूट गया, आप फ़ोन के ऊपर एक लीगल एक्शन लीजिए? नहीं। लेकिन हाँ, अगर उस फ़ोन के डैमेज की गारंटी किसी कंपनी ने या किसी एजेंट ने ले रखा है तो हम उस कंपनी या उस एजेंट के ऊपर ले सकते हैं। तो एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, लाइक माइक्रोमैक्स हो गई, आप उषा का फ़ैन हो गया, फॉग कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी जिसके ऊपर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि एनी, ये दोनों क्या हो गया, एनी पर्सन, बैंक, एनी कंपनी, दिस ऑल आर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में एक चीज़ और हम देखना चाहेंगे कि एक आता है पर्सनल अकाउंट के टाइप में, पर्सनल अकाउंट के टाइप में एक आता है थर्ड नंबर टाइप में, आप देखे होंगे। पर्सनल अकाउंट को थ्री पार्ट्स में बांटा गया है, वन इज़ नेचुरल, सेकेंड इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, नेचुरल पर्सनल में क्या हुआ, जो ऐसा चीज़ जिसको ऊपर वाले ने, भगवान ने बना रखा है, जो नेचुरली बन के आया है, जैसे कि राम, श्याम, गीता, एनीवन, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है, लाइक बैंक, अ कंपनी एक्सेट्रा। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है कि जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे सैलरी है, सैलरी के ऊपर हम क्या करते हैं, अगर हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर एडवांस रेंट, ये दोनों जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि यह किसी व्यक्ति को, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सपोज इट इज़ अ आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर अ पर्सन, तो ये सैलरी या तो किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है किसी पर्सन को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे या ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाता है। सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अगर हम अकाउंट की बात करेंगे तो वो नॉमिनल में जाएगा, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें तो ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है या फिर पूरे कंपनी के ग्रुप ऑफ पर्सन्स का रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट लीगल एक्शन लिया जा सकते हैं, एनी पर्सन, बैंक, कंपनी, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जो किसी ग्रुप को या किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र, मतलब जिसका सिर्फ नाम है, देर इज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो फिजिकली है नहीं, जैसे हम किसी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, वैसे नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे कि एग्जांपल रेंट, तो रेंट क्या है, रेंट को हम नहीं देख सकते। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, रेंट तो 500 रुपये दिए, तो देखिए रेंट में जो देने वाला होता है वो दिखता है, रेंट जो लेने वाला होता है वो दिखता है, रेंट के बदले जो पैसा दिया जाता है वो दिखता है, बट पर्टिकुलरली अगर हम रेंट को देखें तो रेंट नहीं दिखता है। तो इस तरीके का चीज़ जो है बट उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नॉमिनल अकाउंट में, राइट। और एक चीज़ में और याद रखना है, ये नॉमिनल अकाउंट जो होता है या तो ये इनकम है या फिर एक्सपेंस है या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस, जैसे कि रेंट है, तो रेंट अगर जिस व्यक्ति को हमने, अगर किसी व्यक्ति को पे किया तो मेरे लिए रेंट क्या हुआ, रेंट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए वो इनकम हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि या तो ये इनकम एक्सपेंस या प्रॉफिट लॉस के साइड में जाता है। अब इसका रूल है पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर,
एंड क्रेडिट द गिवर। अब जैसे कि हमने पर्सनल अकाउंट देखा कि पर्सनल अकाउंट में या तो राम है, मोहन है, श्याम है, बैंक है, तो या तो वो एक रिसीवर होगा या फिर गिवर होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर वो क्वेश्चन में आ रहा है कि ही इज़ अ रिसीवर, देन डेबिट। अगर जैसे ही रिसीवर आ गया उसको डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब ये एक बेसिक ऐसा रूल है जिसके ऊपर आप क्लियरली जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। इसका जो मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा उसमें आपको इस रूल के साथ हम पूरा एग्जांपल के साथ अच्छे तरीके से बताएंगे कि विदाउट एनी हेजिटेशन आप इजीली किस तरीके से जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको इस चीज़ के टॉपिक पे होगा कि जनरल एंट्री हमको कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल को क्लियर कर लेना है। अगर ये क्लियर है तो फिर जनरल करना बहुत ईजी है। ओके, थैंक यू।